खान साहब ने एक बड़ी ही एक शॉकिंग हमें खबर दी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से अपने सीने में दिल के मकाम पे दर्द फील कर रहे हैं और उन्होंने इस शक का इजहार किया कि डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम में। उन्होंने उनको बताया था कि इंसुलिन जो खुराक में दी जाती है उसके जरिए सीड्यूसिंग हार्ट अटैक जो है वो कास किया जाता है, मारने का एक तरीका है। उन्होंने ये शिकायत की। खान साहब ने यह भी बताया यहाँ पे इसको जख्म पड़ा है पीछे से और उसको उन्होंने बताया कि जब गिरफ्तार किया गया तो उस पर तशद्दुद हुआ और उसकी तवहीन की गई। मैं खान साहब ने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि चाहे मैं जेल में सारी जिंदगी गुजार लूं लेकिन मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से कोई इंसाफ नहीं चाहिए। दूसरी उन्होंने ये बताया कि सारी रात उनको जगाया रखा गया, गंदा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराहम किया गया और उन्होंने उसको खुराक के हवाले से भी कोई खुराक जो है उसको ये जब तक यानी 3 बजे रात से अभी तक कोई खुराक उनको फराहम नहीं की गई है। खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुझे एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा बायनऊ इन्हीं अल्फाज में आपने बताना है। उसने कहा हमने उनको बताया कि इस तरह कौम निकली है, सड़कों पे हैं, आपकी गिरफ्तारी की मुजम्मत हो रही है। उसने कहा कौम को ये बता दें कि मार्श ला लगे या आसिम ला लगे, आप लोगों ने डट के कड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए।